हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, सन्निकट का दूसरा पार्ट। तो बहुत छोटा पार्ट है अप्रोक्सीमेशन। और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा, फर्स्ट पार्ट में हमने इसके न्यूमेरिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देखे। आज हम लोग इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। सब एक ही पैटर्न के हैं, लेकिन दो चार क्वेश्चन आपको करा दूँ तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रहने के लिए बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन पर बेस्ड है ओनली। तो देखिए, कुछ ही क्वेश्चन आज इसमें बताऊंगा जिससे आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विथ एन एरर 0.03, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको देखना है इसमें गिवन क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो इसका रेडियस है, रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, क्लियर, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि होती है, वो एरर है। तो एरर होगा डेल से, डेल आर इक्वल टू हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। गोला है और सरफेस एरिया, तो हमको फाइंड करना है। यहाँ पर देखो, इसका जो सरफेस एरिया होगा एस, ठीक है। तो गोले के सरफेस एरिया में, इफ द फाइंड ऑफ द रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया, गोले का सरफेस एरिया 4πr² होता है, s इक्वल टू 4πr², s इक्वल टू 4πr². अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r, देयरफॉर ds अपॉन dr इक्वल टू d/dr ऑफ 4πr², ये होगा, क्लियर। अब आर के रेस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी एस बाई डी आर इक्वल 4π कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r, ये हो गया डी एस बाई डी आर। अब देखो, हमको फाइंड करना है इसका अप्रोक्सीमेट सन्निकट त्रुटि ज्ञात करना है, ठीक है। दैट मीन्स हमको डेल एस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर डेल एस का वैल्यू फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना, डेल एस। तो डेल एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी आर इंटू डेल आर, ये फार्मूला आप ध्यान में रखना। इसके लास्ट वीडियो में आपको मैं बताया था कि कैसे हम डी एस को डेल एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पूरे वैल्यू के यहाँ पर पुट अप कर दो, दैट इक्वल डी एस बाई डी आर इज दिस, दैट मीन्स 8πr मल्टीप्लाई कर दूं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें। और डेल आर का वैल्यू है 0.03 इंटू 0.03, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, लास्ट स्टेप में पूरा कैलकुलेट करना है आपको। तो ये हो जाएगा 8 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, 9 हो गया, और इंटू 0.03। अब यहाँ तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ, आप इसको मैन्युअली कर लेना क्योंकि आपको तो कैलकुलेट करनी है, और मैं कैलकुलेट करके सीधा आंसर बता देता हूँ, ठीक है। 8 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 0.03, 2.16 मीटर स्क्वायर, मीटर में चेंज कर दें, 216 सेंटीमीटर आएगा, तो 2.16 मीटर स्क्वायर, एनसीईआरटी में मीटर में आंसर दिया, 2.16 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ओके। सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई उसको टोटल करेंगे तो 216 आएगा, मीटर में चेंज करने के लिए 100 डिवाइड करें, ये हो गया इसका अप्रोक्सीमेट एरर। तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, कोई सरफेस एरिया के लिए होगा, कोई वॉल्यूम के लिए होगा, बस ऐसी क्वेश्चन है। मैं आपको 4 क्वेश्चन करा दूँ इसमें, बस बहुत छोटा सा वीडियो है,
और इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पूरा। इसको मैं पिछले वाले के साथ इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो अलग पैटर्न है, अलग पैटर्न है। इसके बाद हम मेन टॉपिक में एंट्री करेंगे, वो हमारा मैक्सिमम मिनिमम। और आप लोग को इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा इंतजार है, मुझे मालूम है, बहुत स्टूडेंट्स लिख चुके सर इंटीग्रेशन, बस एक वीडियो और एक या दो वीडियो बनाना पड़ेगा मेरे को। किसके लिए? मैक्सिमम मिनिमम के लिए। उसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ही कंटिन्यूस चलेगा। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है। रेडियस इज 7 मीटर, 7 मीटर मापी जाती है। इसमें 0.02 मीटर की त्रुटि होती है। डेल आर, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको कई हजार क्वेश्चन भी कराऊं तो भी वैसे, इसीलिए मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए, मतलब आपको फाइंड करना है डेल भी, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है, अब हमको फाइंड करना है। देखो तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या इसका आयतन। देखो एक गोले की त्रिज्या, आयतन, गोले का आयतन वी इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 πr³। क्लियर, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है हमको, गोले का आयतन यही होता है 4/3 πr³। अब हमको r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, देयरफॉर dv/dr इक्वल टू d/dr ऑफ 4/3 πr³। ये होगा दैट इक्वल, डिफ्रेंशिएट करें 4/3 कांस्टेंट है पाई, और आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r² ये हो गया r का रेस्पेक्ट 3r², यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर दें तो 3 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 πr² ये हो गया किसका वैल्यू, dv/dr। नाउ डेल वी, नाउ डेल वी इक्वल टू dv/dr इंटू डेल आर, ये फार्मूला हो जाएगा। देयरफॉर डेल वी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ dv/dr इज 4πr² 4πr² इंटू डेल आर इज 0.02, सबको वैल्यू पुट अप कर दो, 4 × 3.14 इंटू रेडियस इज 7 मीटर, ये हो गया 7² इंटू 0.02। अब ये मैं मल्टीप्लाई कर दूं और आपको आंसर बता दूं सीधा सीधा, सब कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। 4 × 3.14 × 49 × 0.02, पाई को पाई के फॉर्म में आंसर दिया है इसमें, तो हम पाई को पाई के फॉर्म में ही आंसर देते हैं, वो अच्छी बात है। देखो क्या है, कहीं पर भी आप पाई को पाई के फॉर्म में आंसर देना है तो पाई ही लिख देना, कैलकुलेशन वो कुछ गलत नहीं है। कुछ भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो 4 × π रहने दो इसको, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब ये इसमें आंसर दिया हुआ है पाई के फॉर्म में, ये आ जाता है 3.92 πm³, क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। देखो इसका भी पैटर्न सेम टू सेम है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन बनाया, बस यहाँ पर आयतन पिछले में क्या निकालना था, सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्र पर। ओके तो 3.92 πm², ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है फिर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर्स कास्ट बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। गिवन क्या है, 1 सेंटीमीटर भुजा, लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है, 1% वृद्धि का घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, इसका लेंथ, एक भुजा की लंबाई क्या है, एक्स है, तो उसका आयतन एल क्यूब होता है, तो हो जाएगा वी इक्वल टू एक्स क्यूब, आयतन में होने 1% का वृद्धि बोलता है, ठीक है। तो परसेंट चेंज, 1% का वृद्धि बोल रहा है,
डेल एक्स, 1% चेंज तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू 1% ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स अपॉन 100। ये बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमाया है कि जो उसका रियल वैल्यू है उसका 1% चेंज हो रहा है, तो डेल एक्स के वैल्यू को एक्स के फॉर्म में इस तरह से दिया है। ये क्या है, घन, ठीक है, वी इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन, तो हमको फाइंड करना है डेल वी जो अभी हमने फाइंड किया था। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे भी बनाए थे, बस एक्स के फॉर्म में है इसमें। तो सिंस वी इक्वल टू एक्स क्यूब, देयरफॉर डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, दैट इम्प्लाइज डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा 3x square। क्लियर? नाउ डेल वी इक्वल टू, पैटर्न सेम है क्वेश्चन का, नाउ डेल वी इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, दैट इम्प्लाइज डेल वी इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू हमको यहाँ से 3x square, 3x square इंटू डेल एक्स इज एक्स अपॉन 100, एक्स अपॉन 100 दैट इक्वल हो जाएगा 3/100 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। और किसका वैल्यू दिया है इसमें, 3/100 एक्स क्यूब, यही आंसर है क्योंकि एक्स के फॉर्म में आंसर देना है अपने को, दैट इक्वल इसको लिख सकते हैं 0.03 एक्स क्यूब, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, गिवन होता है, हर जगह यही फाइंड करना होता है। तो सब क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, जैसे इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या है, 1% 1% की वृद्धि बोल दिया, 1% की वृद्धि, तो 1% की वृद्धि को हम ऐसा निकाल लिए, इस तरह से निकाल लिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बहुत मज़ेदार टॉपिक नहीं है ये, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ जाए तो फिर बहुत आसान है, छूट जाएगा। और इसके बाद हमारा मैक्सिमम मिनिमम मेन टॉपिक, मैक्सिमम मिनिमम 100% क्वेश्चन आना है, सेम वैसी क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की भुजाओं में 1% ह्रास के कारण, ह्रास मतलब कमी, कमी है तो उसको निगेटिव में लेंगे, 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल में, यहाँ पर घन की बात हो रही है, सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर्स कॉस्ट बाई डिक्रीजिंग द साइड बाई 1%। क्लियर? क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, देखो डिक्रीज होना है मतलब माइनस करना है इसको, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है किसका, घन के पृष्ठ, 6x square, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, माने इसके एक भुजा की जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर है, देयरफॉर s इक्वल टू हो जाएगा 6x square, ह्रास बोला है तो डेल एक्स इक्वल टू 1% ऑफ एक्स, दैट इक्वल माइनस ये हो जाएगा एक्स अपॉन 100, सिर्फ इसमें माइनस यूज़ करना है, जो भी हमने क्वेश्चन बनाया था उसके अगेंस्ट हमको सिर्फ माइनस यूज़ करना है, क्योंकि इसमें ह्रास हो रही, डिक्रीजिंग द साइड। अब हमको फाइंड करना है क्या, सन्निकट परिवर्तन क्षेत्रफल में, नाउ एस इक्वल टू 6x square, therefore ds by dx equal to d by dx of 6x square, that implies ds by dx equal to 12x, ये हो जाएगा, ओके, therefore del s equal to ds by dr into x के फॉर्म में है ना, ds by into del x, वैल्यू पुट अप कर दो सबका, ये हो जाएगा 12x into del x का वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन 100, सेम क्वेश्चन है वो, पूरा टाइम पास है, कुछ नहीं है, 12 माइनस 12 अपॉन 100
इंटू एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू माइनस 0.12 एक्स स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. क्या है आंसर देखें अपन. 0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर. यूनिट लिखना चाहे तो मीटर स्क्वायर. ये इसका आंसर है. ये 4 क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं. ऐसे ही क्वेश्चन होंगे इसमें जो इसके वर्ड प्रॉब्लम है. और वर्ड प्रॉब्लम को मैंने क्वेश्चन टाइप करके बताया. इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ पहले पार्ट में आपने देखा ओनली न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेशन करने थे तो सीधा सीधा हो जा रहा था. अब मैं बहुत जल्दी आपको हो सके तो कल ही आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा मैक्सिमा मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बार बार उसको मैं याद दिला रहा हूँ. उसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है. वो भी मैं 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा. पहले पार्ट में मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने का और दूसरे में उसके वर्ड प्रॉब्लम उसके जो एप्लीकेशन है. मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके तो ये आप कर लीजिए. बहुत छोटा सा वीडियो था ये और लिमिटेड क्वेश्चन है. इस तरह से आपका अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हो जाता है. ओके थैंक यू.